कुकुरमुत्ते की तरह मेढक की तरह हिंदू बन जाता है जब चुनाव आता है, और आज हिंदू को गाली दे रहा है। आप जाके उनसे पूछे कि अपने दादाजी का नाम बता दीजिए, बस वही मेन दिक्कत उसके यही है। वो खुद हिंदू नहीं है इसलिए उसको पता ही नहीं हिंदू कहते किसको है। हिंदू नहीं है, राहुल गांधी हिंदू कोई है ना, तो वो हिंदू है ना तो मुस्लिम है, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। बुद्धि होनी चाहिए उनमें, इतने बड़े हो गए। हिंदुओं में एकता नहीं है, नहीं तो इनको देश से बाहर निकाल दिया जाए। अगर राहुल गांधी जी में हिम्मत है ना तो वो मुस्लिम ईसाई सिख को बोल के दिखाए, वो हिंदुओं पे ही बार क्यों करते हैं हमेशा। वायनाड में चुनाव है और ये अगर हिंदुओं को गाली देंगे तभी उनको वायनाड में वोट मिलेगा, प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाएंगी। अगर हिंदू गाली देंगे तो मुस्लिम खुश होंगे। बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी जी ने, इस प्रकार के शब्दों का ऐसे पद पे आगे बोलना बड़ा ही शर्मनाक है। इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जितने भी हिंदू है, कितने करोड़ों की संख्या में, तो क्या वो सब हिंसक हैं? क्या वो सब हिंसा करते हैं? नहीं ना, तो इसमें हर तबके का इंसान, हर इंसान इसमें इंक्लूड है, तो हर बंदे को हिंसक यानी तो उन्होंने साबित कर दिया कि आप भी मैं भी जो भी हिंदू है वो हिंसक है, वो हिंसा करते हैं। इस प्रकार से बोलना अपमानजनक है, हमारे लिए भी बहुत शर्मनाक है कि इस तरह से बोला गया है। अगर राहुल गांधी जी में हिम्मत है ना तो वो मुस्लिम ईसाई सिख को बोल के दिखाएं, वो हिंदुओं पे ही बार क्यों करते हैं हमेशा, पलट बार क्यों करते हैं? तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी के आपने हमेशा भाषण सुने ही है, वो कितनी समझ रखते हैं आपको ही पता, हमें ही पता है। तो मैं तो एक मजाकिया के रूप में, एक पप्पू के रूप में लेती हूँ उनको, क्योंकि उनका जो तुक भी होता है, तर्क भी होता है, वो भी मजाकिया ही होता है। जिनको यही नहीं पता कि वो बोल क्या रहे हैं, आप ये बताइए, लोग हमारी आस्था से खेलना, आप इतने लोग जो आ रखे हैं, आप मंदिरों में आते हैं, लोग माथा टेकने आते हैं, हम आपको लग रहे हैं इनसे लग रहे हैं आपको कहीं से? उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, और वो अपने आप को कोई कैंडिडेट मांगते हैं, मुझे लगता नहीं है कि कुछ है। वो कह रहे हैं हमने सिर्फ मोदी जी को बोला है, पूरे हिंदू समाज को नहीं बोला। मोदी के बोलते बोलते कब वो हिंदू के विरोध में हो गए, ये बात उनको भी नहीं पता लगा। हाँ। कि मोदी के विरोध में कब वो हिंदू के विरोध में हो गए, उनको खुद को भी नहीं पता ये वाली बात। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। हाँ। आप पहली चीज, ये राहुल गांधी जो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, आप जाके उनसे पूछे कि अपने दादाजी का नाम बता दीजिए, बस वही मेन दिक्कत उसके यही है। खुद यदि हिंदू नहीं है तो हिंदुओं की ना तो वो मान्यताएं समझेगा, ना हिंदुओं की रिस्पेक्ट कर सकता है, और संसद जैसे पवित्र सदन में खड़े होकर यदि वो हिंदुओं को हिंसक कह सकता है तो सोचिए वो अकेले घर में पर्सनली हिंदुओं को क्या क्या कहता होगा। यदि उसको दूसरों से प्यार है और हिंदुओं से इतनी घृणा है तो वो उसने स्पष्ट कर दिया है संसद के माध्यम से। राहुल गांधी जैसे घटिया नेताओं के बयान से हिंदू समाज पूरी दुनिया में बदनाम नहीं हो सकता है। हिंदू समाज के लिए अपमानजनक शब्द ना कहे जा सकते हैं और ना सुने जा सकते हैं, ये बात कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को समझ में आ जानी चाहिए। आज तक किसी बॉम्ब ब्लास्ट में या किसी भी आतंकवादी घटना में कभी किसी ने ना सुना ना पढ़ा कि किसी हिंदू का हाथ हो। ये लोग जो यहाँ कतारों में खड़े होकर माता टेकने के लिए मंदिर में जाते हैं, आपको लगता है कि आतंकवादी हैं? इस सोच से ओतप्रोत ये कांग्रेस पार्टी का आज जो हश्र देश ने कर रखा है वो इसीलिए है, और आप देखना बहुत जल्दी गुमनामी में ये लोग होने वाले हैं, क्योंकि हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। माफी मांगनी चाहिए, घुटनाक रगड़नी चाहिए। हाँ। उसका आप पूछ रहे थे कि इन्होंने हिंदुओं को ही क्यों ऐसे बोला, हिंसक क्यों बोला, उसका कारण है वायनाड में चुनाव है। अच्छा। और राजनीतिक रोटियां सेकने का कोशिश की है राहुल गांधी ने, और ये अगर हिंदुओं को गाली देंगे तभी उनको वायनाड में वोट मिलेगा, प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाएंगी। अगर हिंदू गाली देंगे तो मुस्लिम खुश होंगे, इनको मुस्लिमों को खुश करना है। आपने देखा इस पिछली बार 2009 से 2014 तक जब इनकी सरकार रही तो उन्होंने हिंदुओं को ये तक कह दिया कि रामपुल नहीं था, राम सेतु नहीं था। अबे इनको ये नहीं पता, राम सेतु की बात करते हैं, राम सेतु है। आज तू कुकुरमुत्ते की तरह, मेढक की तरह हिंदू बन जाता जब चुनाव आता है, और आज हिंदू को गाली दे रहा है। ऐसे बयान की मैं भर्त्सना करता हूँ, और राहुल गांधी को नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए। हिंदू समाज सबसे ज़्यादा सहनशील समाज है, और सहनशीलता का फ़ायदा बार बार जो ऑपोजिशन है हमारे देश का, कांग्रेस सरकार है, या जितने भी हम बोलें कि जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इन्होंने हमेशा हिंदू समाज की सहनशीलता के ऊपर जो है उस सहनशीलता का मतलब पेशेंस का जो है टेस्ट लिया है हमेशा। हिंदू समाज बिल्कुल बदला लेगा राहुल गांधी से। हिंदू समाज ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है, तब भी जो है कांग्रेस अभी भी बाज नहीं आ रही है, तो इनको जो है लोकसभा के दो
जो अभी अपने वायनाड के इलेक्शन है वहाँ के जो हिंदू हैं वो उनसे भी मैं अपील करूँगा कि सारे इकट्ठे हों और राहुल गांधी को जो है कांग्रेस को हराएं। राहुल गांधी का कर्तव्य बनता था कि जिस जनता ने जनादेश दिया है उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हो, उस हिंदू समाज का आप अपमान कर रहे हो। ऐसी समाज का अगर तुम अपमान कर रहे हो तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और सदन, संसद का जो सदन होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक सांसद वहाँ पर एक अकेला सांसद नहीं होता है, लाखों का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक सांसद 20-20 लाख के बराबर होता है। और बहुसंख्यक समाज हिंदुस्तान में हिंदू हैं। और आप इसका मतलब अगर देश में 543 संसद चुन के जाते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, तो आप समझ लीजिए ये एक या 100 हिंदुओं का नुकसान, आप उंगली नहीं उठा रहे हो, आप पूरे देश को 100 करोड़ से 120 करोड़ हिंदुओं को आप गाली दे रहे हो और उंगली दिखाने का काम कर रहे हो। और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और राहुल गांधी से माफी मंगवा कर रहेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें किस तरीके से सदन का गरिमा रखना है, उन्हें ये तक नहीं पता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे भोलेनाथ जी जो हैं वो एक सर्प को लपेट के रखते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वासुकी उनका नाम है। उस सर्प का नाम वासुकी है, उन्हें ये नहीं पता। और वो क्या वहाँ पे सदन के अंदर से पूरे हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, वो किस चीज़ की उन्हें इस चीज़ का अधिकार किसने दिया है? कांग्रेस की जो भी मानसिकता है वो तीन चीज़ पे चलती है, फेक प्रॉमिसेस, फेक प्रोपेगेंडा, फेक एजेंडा। राहुल गांधी का सिर्फ एक ही काम है, मतभेद करना, भारत को तोड़ना, कम्युनलिज्म करना, कास्टिज्म करना और सभी को एक दूसरे से अलग थलग करके उसके बाद भारत का शासक बनना। ये चीज़ राहुल गांधी की एक ही उनकी जो है मानसिकता है। अच्छा। ये भारत के लोगों को समझनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल की वो पॉलिसी अपना रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो ये ब्रिटिशर्स गए हैं ना, उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरीके से राहुल गांधी जो है वो अपना करके बैठे हैं। मैं राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के एक विनम्र जो है विनती करना चाहूँगा कि अगर आपको इस देश को विभाजित करना है तो आज ही आप वहाँ से अपना रेजिग्नेशन दे करके इटली जा सकते हैं वापस। आपको इस देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू इस देश का जागा नहीं ना ढंग से, इसलिए बोल रहे हैं। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा ना उस दिन इनकी पार्टी की, भाई बहन की पार्टी खत्म हो जाएगी, मोई मोई हो जाएगी। बीजेपी हिंदुओं की सपोर्टर है ना, तो हिंदुओं को बोला और बीजेपी मोदी को बोला तो क्या फर्क क्या रहेगा उसमें? वो खुद हिंदू नहीं है इसलिए उसको पता ही नहीं हिंदू कहते किसको है। हिंदू नहीं है राहुल गांधी, हिंदू कोई है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम मोदी जी प्रधानमंत्री जी को ऐसे अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। मोदी जी राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, उन्होंने अच्छा किया, राम मंदिर को अच्छा बनवाया, आने वाले टाइम में और भी अच्छा काम करेंगे। पीएम मोदी जी के बारे में हम और स्वागत करते हैं। ना तो वो हिंदू है ना तो मुस्लिम है, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा कि किस कास्ट के आप बिलोंग कर रहे हैं। बुद्धि होनी चाहिए उनमें, इतने बड़े हो गए, उनको और किसी के खिलाफ बोल के दिखाएं, किसी भी धर्म के खिलाफ। हाँ। उनमें अगर हिम्मत है तो और किसी बोल के दिखाएं फिर। हाँ। हिंदुओं में एकता नहीं है, नहीं तो इनको देश से बाहर निकाल दिया जाए। आने वाले चुनाव में हरियाणा में हो रहे हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू में हो रहे हैं, उनकी तो मोई मोई पक्की है। हिंदुओं को चाहिए एक हो जाए, उनका जहाँ जाए वही प्रदर्शन होना चाहिए, वही उनको काले झंडे जूते दिखाने चाहिए।